चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। हाय दोस्तों, आपने देखा होगा बॉलीवुड में चांद के ऊपर, चांद को लेकर बहुत सारे गाने बने हैं। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जितने भी गाने चांद के ऊपर बने हैं सब के सब सुपरहिट। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर इन सारे गानों में, जितने भी गाने चांद के ऊपर बने हैं, इन सारे गानों में अगर चांद शब्द को हटाकर अगर उसकी जगह रख दिया जाए सांड, ये वर्ड रख दिया जाए, तो गाने का मजा कुछ और ही होगा। कितना मजा आएगा ना दोस्तों। सोचो बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स जब स्टेज पे आएंगे और डिमांड आती है कि भाई चांद के ऊपर ही कोई गाना सुनाइए, तो क्या स्थिति होती है। सोचिए हमारे 90s के मेलोडी सिंगर्स कुमार शानू, जिन्होंने बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग दिया है, वो स्टेज पे आते और उनको मिलता कोई चांद का गाना, तो क्या स्थिति होती है। कुमार शानू जी, क्या है ना कि जब कुमार शानू गाते हैं तो हे हे करना जरूरी होता है, तभी पता लगता है कि कुमार शानू गा रहे हैं। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा सांड मुझे आया है नजर। कुछ इस तरह की स्थिति होती। हमारे और भी सिंगर्स, उदित नारायण साहब, उदित नारायण बड़े हंसमुख स्वभाव के सिंगर है, वो अगर आते और उनके साथ भी ऐसे ही होता कि चांद का ही गाना मिल जाता है, तो क्या स्थिति होती। उदित नारायण साहब आते, भाई वाह 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 वाह, क्या लोग आए हैं, वाह वाह, मजा आ गया, क्या तालियां बजाई है, क्या तालियां। सर अभी तो आपने गाना ही, लेकिन क्या आपने क्या इंतजार किया है गाने का, वाह वाह वाह। अब उदित नारायण साहब गाना गाते, सांड छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। कुछ इस तरह की स्थिति होती। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर ये स्थिति आप पर आ जाती, अगर आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी आपसे कहती कि मेरी तारीफ में कोई चांद का गाना सुनाइए, और भगवान करे आपके मुंह से चांद की जगह सांड ही निकले, कितना मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा देखने वाले को। सोचो क्या होगा अगर पत्नी ने कह दिया कि मुझे मेरी तारीफ में आप गाना सुनाइए कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदी ऐसी तारा, और फिर हस्बैंड गाता और उसके मुंह से निकलता सांड जैसे मुखड़े पे, नहीं नहीं इसके बाद तो गा ही नहीं पाते, फिर आप रिएक्शन हो जाता है। किसी की पत्नी कह देती कि वो गाना सुनाइए मेरी तारीफ में, मैंने पूछा चांद से, सुपरहिट गाना है दोस्तों। अब ये गाना अगर कोई हस्बैंड गाता और उसके मुंह से, समझ गए ना, तो क्या स्थिति होती। मैंने पूछा सांड से कि देखा क्या कहीं मेरे यार सा हंसी, सांड ने कहा सांडनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। उस दोस्त को आपको फिर हॉस्पिटल ही मिलने जाना पड़ता है, सही है ना। वाइप का फोन है, वाइप का। हेलो हेलो, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, ऑफिस में काम काज चल रहा था। अरे गुप्ता जी, वो थोड़े टैक्स वाली फाइल, हाँ बस ऑफिस में। क्या हमसे गाना सुनना था, तो उसमें क्या है, बोलो ना, कौन सा गाना, कौन सा गाना, चांद सी महबूबा हो मेरी। हाँ वो तो मुझे आता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वाइफ का फोन है, चांद सी महबूबा गाना सुनने को कह रही है। एक काम करो ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, वो बहुत दिन हो गया यार, गाने की प्रैक्टिस नहीं हुई है,
कोई कोई दूसरा 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 नहीं नहीं उसका लिरिक्स का प्रॉब्लम है मेरा थोड़ा। हाँ दूसरा, हाँ आता है, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांद। अरे इसका एक ही लाइन आता है यार, कोई दूसरा। ओके 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 यार जो बात कह रहा था तो मेरे साथ हो गई है। मेरी वाइफ ने कहा है कि आज रात उसकी तारीफ में मैं गाना गाऊं, चांद सी महबूबा हो मेरी। ऑप्शन मांगा तो दिया कि मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। बच गई बहन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके जाएंगे। सांड सी सांड सी महबूबा हो, लगता है आज तो बैंड बच जाएगी यार। दूसरा ट्राई, दूसरा ट्राई करते। रंग भरे मौसम में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम सांड ने। यार मेरा तो लगता है बैंड बच जाएगा आज भाई। कुछ करो, एक काम करो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तब तक आपको जितने भी चांद से रिलेटेड गाने हैं सब आप कमेंट बॉक्स में डालिए ऑप्शन के लिए, मेरी जान बच जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूँ।